यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए सिर्फ 3 आइटम की जरूरत है और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और इसको आप एक बार बना देते हैं तो इसको 5-6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी अच्छा लगे खाइए। आइए बनाना शुरू करते हैं कैरी का मुरब्बा। इसके लिए हमने एक कच्चा आम लिया है जिसका वजन करीब 400 ग्राम है। इस आम को हमने अच्छी तरह से छील लिया है सब चारों तरफ से। अभी इसको हम बारीक पीसेज में काटेंगे। इस तरह से हमने पूरी कैरी को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अभी इन पीसेज को हम एक पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी इसमें ये 400 ग्राम कैरी में जब ये पीसेज कट के निकले हैं करीब 300 ग्राम होंगे, इसमें भी अपन करीब 350 ग्राम शक्कर डाल देते हैं। तो एक कप करीब 225 ग्राम होता है, इसमें अपन 1.5 कप शक्कर डाल देते हैं। 1.5 कप शक्कर डाल दिया है। अभी गैस को बिल्कुल धीरे आंच में चालू करते हैं। इसको एकदम धीरे आंच में रखते हैं और कंटिन्यूसली इसको हिलाते हैं। कैरी के पानी से ये गीली हो जाएगी शक्कर। इसमें कोई भी तरह का हमने दूसरा पानी या कोई गीला ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो शक्कर और भी डाल सकते हैं, पर हमारे लिए हमारे हिसाब से इतना बहुत है। जैसे जैसे कैरी गर्म होगी इसमें से पानी छूटेगा, पानी छूटने से शक्कर पिघल जाएगी। अगर अपन हापुस की कैरी से बनाते हैं तो अच्छा बनता है, राजापुरी कैरी से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। दूसरी कैरियों में बहुत से रेसे होते हैं, उसके कारण कि पीसे ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। रेसों वाले आम की मुरब्बे अच्छे नहीं लगते हैं। आप देख सकते हैं सारा पानी निकला है कैरी में से और शक्कर एकदम पिघल गई है और बहुत ही पतली सी चाशनी बन गई है। अब इस स्टेज में थोड़ा इसको धीरे आंच भी रखते हैं पर इसको ढक दे के रख देते हैं ताकि कैरी है वो थोड़ा पक सके अंदर। इसको अपन ढक देते हैं और सिर्फ 4-5 मिनट के बाद में वापस ढक खोल के देखते हैं। थोड़ी देर में देखना पड़ता है, नहीं तो नीचे जम जाता है। करीब 5 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं कैसा हो रहा है। बॉईल हो रहा है ये। अभी इसको खुले में ही पकाना पड़ेगा ताकि चाशनी थोड़ी गाढ़ी होए। इसमें जो कैरी है वो पक के एकदम ट्रांसपेरेंट होने लग गई है, इसका इंडिकेशन है कि कैरी लगभग पक गई है। अभी इसको खुला रख के इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं और इसकी चाशनी को थोड़ा गाढ़ा करते हैं। करीब 1.5 तार की चाशनी बनाएंगे, तब तक इसको हिलाते रहना पड़ेगा। इस स्टेज में इसमें थोड़ा केसर डालते हैं। केसर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो मत डालें। केसर का कलर अच्छा आता है इसलिए अभी से ही डाल दिया है ताकि जब कैरी पके उसके साथ साथ में केसर का कलर भी छूटे और ये पूरा अच्छा केसरिया रंग का हो जाएगा, लाइट केसरिया कलर का हो जाएगा। केसर की खुशबू अभी से ही अच्छी चालू हो गई है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे केसर अपना कलर छोड़ रही है। केसर डाले हुए करीब 4 मिनट हो गए हैं और 4 मिनट में आप देख सकते हैं केसर ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है और अच्छा मुरब्बा का कलर अच्छा हो गया है। जैसे जैसे मुरब्बा बनता है, कैरी पकती है तो ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होने लग जाती है। अब इस स्टेज में इसमें थोड़ा 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालते हैं। इलायची का कस्बू भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं चाशनी का कितनी थिक रह गई है। करीब 1.5 तार की चाशनी बनानी पड़ेगी। चाशनी बन गया है, अभी अपन गैस को बंद कर देते हैं। अब मुरब्बे को अपन लीक टाइट ठंडा करके लीक टाइट जार में डाल के इसको फ्रिज में रख देंगे तो काफ़ी दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं, जब चाहिए इसको लिख के यूज कर सकते हैं। कच्चे आम का मुरब्बा बनके तैयार है।
आपने देखा होगा बनने में कितना आसान है, पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें इलायची और केसरी का सूप बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं, या इसको डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसको बनाते टाइम में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो जब अपन इसको छीलते हैं, आम को छीलते हैं, तो आम के ऊपर एक ग्रीन लेयर होती है और ग्रीन लेयर के जस्ट नीचे एक हार्ड लेयर होती है। वो हार्ड लेयर को भी अपने को छील के निकालना पड़ता है। अगर उस हार्ड लेयर को इसमें रख देंगे तो जब वो शक्कर के साथ में जब बॉईल होता है तो हार्ड लेयर बहुत ही हार्ड बन जाती है और वो खाने में अच्छा नहीं लगता। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।